हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है NCERT इकोनॉमी समरी। इसमें हम NCERT जो कि है उससे इकोनॉमी का पार्ट डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी जो कि UPSC CSE में एक अच्छा खासा अपना पार्ट रखती है, तो और इकोनॉमी से रिलेटेड जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत होती है कई बार, क्योंकि इकोनॉमी एक प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस पर पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है, जिसे आप अगर समझ जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन इसके बेसिक्स हमें क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि हम NCERT जो बुक्स हैं उनसे सारे क्लियर कर लेंगे। तो हम एक समरी भी इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमी की। ये कोर्स मेरा हिंदी में होगा और इस कोर्स के फर्स्ट लेसन में हम क्लास 9th की इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। कोर्स को मैंने नाम दिया है किल योर डाउट्स एंड क्लियर योर बेसिक्स। तो किल योर डाउट्स से मेरा मतलब ये होता है कि अगर आपका इकोनॉमी में कोई भी डाउट है, आपको कोई भी परेशानी है, तो ये लेसन ये कोर्स पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और इकोनॉमी के बारे में आपके जो बेसिक्स हैं, इकोनॉमी की जो आधारभूत संरचना है, जो आधार है इकोनॉमी का, वो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, ये लेसन प्रेजेंट किया गया मेरे द्वारा और मेरा नाम है कुमार जतिन। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है। खाद्य सुरक्षा का मतलब इसमें ये लिखा गया है कि भोजन की उपलब्धता हो, पहुंच हो और सामर्थ्य हो। मतलब ये खाद्य सुरक्षा से तीन फैक्टर जुड़े हुए होते हैं। खाद्य सुरक्षा से सिंपल मतलब इतना नहीं होता कि आप लोगों को भोजन मिल जाए। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है स्टॉक हो उस भोजन का अपने पास, दूसरी बात उस स्टॉक तक लोगों की पहुँच हो और पहुँचने की सामर्थ्य भी हो, उसे खरीदने की सामर्थ्य भी हो। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इतना है, जैसे आपके पास कोई भंडारण के लिए आप कोई जगह हो जहाँ पर इसका स्टॉक किया हुआ हो और उस स्टॉक तक लोगों की पहुँच हो किसी तरह, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे खरीदने की लोगों के पास सामर्थ्य भी होनी चाहिए। दैट इज आप तब ये कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा है। और खाद्य सुरक्षा में खरीदने के बाद, भोजन को खरीदने के बाद भोजन की क्वालिटी को भी देखा जाता है कि भोजन की जो क्वालिटी है वो मनुष्य के खाने के योग्य है अथवा नहीं, तब कहीं जाकर मैं ये कहता हूँ कि हाँ, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हुई है। अंडरस्टूड पार्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज भुखमरी। भुखमरी का मतलब ये होता है कि आपके पास भोजन की उपलब्धता नहीं है, आपकी भूख मिट नहीं रही है। दैट इज कॉल्ड भुखमरी। भुखमरी दो प्रकार की होती है, एक तो मौसमी होती है, एक दीर्घकालिक होती है। मौसमी भुखमरी से सीधा संबंध मैं आपको बता दूं कि कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ समय के लिए रोजगार प्राप्त करता है और कुछ समय के लिए वो बेरोजगार हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो रिक्शा चलाता है। अब रिक्शा चलाता है तो वो हो सकता है किसी दिन उसके पास उसकी जो दिहाड़ी है वो उसे नहीं मिले, या वो इतना नहीं कमा पाए कि वो रोज़ रोज़ की रोटी खा सके, तो उस दिन उसे भूखा रहना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मौसमी भुखमरी। मतलब कि जिस दिन वो नहीं कमाए उस दिन वो भूखा रहेगा, और जिस दिन उसने कमा लिया वो उस दिन खाना खा लेगा। दैट इज़ मौसमी भुखमरी। दीर्घकालिक भुखमरी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कई सारे दिनों तक लगातार भूखा रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड दीर्घकालिक भुखमरी। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है IFPRI की, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, उसमें जो इंडिया का रैंकिंग है वो 100 है। इस रैंकिंग से रिलेटेड हम एक अलग कोर्स करेंगे, उसमें हम मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी हाल में आप इतना जान लीजिए कि भुखमरी की स्थिति जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे जो किसान है, अब किसान मंडी में अपना खाद्यान्न बेचते हैं, तो सरकार के पास जब इस खाद्यान्न को रखने के लिए जगह चाहिए होती है तो वो FCI के पास जाता है। FCI का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। जब सरकार इस भारतीय खाद्य निगम में अपना भंडारण सारा खाद्यान्न का कर देती है, तो मैं इसको कहता हूँ बफर स्टॉक, कि सरकार के पास इतना बफर स्टॉक मौजूद है। ठीक है, अब MSP क्या होता है और निर्गम कीमत क्या होती है। जब किसान गेहूं उगाता है या फिर और फसल उगाता है, तो कुछ फसलें होती हैं MSP में, सारी फसलें नहीं आती। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है,
ठीक है, तो जब किसान कोई फसल उगाता है तो उससे पहले सरकार द्वारा उस फसल की कीमत तय की जाती है कि ये फसल जब तैयार होगी तो हम इसे न्यूनतम इतने रुपए में खरीद लेंगे। ठीक है, तो वो कहलाती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सीधा मतलब है कि जो किसान खेती कर रहा है, जो फसल उगा रहा है, उसे सपोर्ट देने का मिनिमम प्राइस हम ये तय कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और याद रखना, ये फसल तैयार होने से पहले या फसल उगाने से पहले सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ये निश्चित कौन करता है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी केवल इतना ही जान लीजिए। निर्गम कीमत का मतलब क्या होता है? एफसीआई में आपको पता है खाद्यान्न जमा हुआ, तो एफसीआई से खाद्यान्न जमा होने के बाद जब मार्केट में जाता है, जब लोगों के पास जाता है, तो जिस कीमत पर एफसीआई से निकलता है उसको मैं कहता हूँ निर्गम कीमत। ठीक है, अब निर्गम कीमत, क्योंकि मान लो कि भाई 100 रुपये में सरकार ने किसानों का खाद्यान्न खरीदा, तो एफसीआई उसको खरीदेगी, और अब आगे जब लोगों तक जाएगा तो ये बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन जब एफसीआई से खाद्यान्न निकलता है तो सरकार इस पर सब्सिडी देती है, तब जाकर लोगों तक ये कहीं सब्सिडाइज्ड रेट पर, बहुत कम कीमत पर ये खाद्यान्न पहुंचता है। ओके, एक होता है पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो, आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आप, या फिर अपने शहर में रहते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि गेहूं जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो दुकान है, राशन वाली दुकान है, वहाँ पर मिलता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चीनी मिलती है, चावल मिलता है, और केरोसिन अब नहीं मिलता है, हालांकि कई जगह मिलता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, इसे मैं कहता हूँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एक उचित दर वाली दुकान होती है जिस पर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ से संचालित किया जाता है, जिसे मैं उचित राशन की दुकान आजकल कहा जाने लगा है। ठीक है, उचित दर वाली दुकान। तो इस उचित दर वाली दुकान के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इसमें सरकार के लिए और लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये भी हम सारा डिस्कस करेंगे एक, लेकिन ये केवल हम एक समरी कर रहे हैं, केवल ओवरव्यू है। पीडीएस के बाद आता है टीपीडीएस। टीपीडीएस का मतलब होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पीडीएस में तो सभी लोगों को, जो ये खाद्यान्न था, गेहूं था, या फिर जो केरोसिन था, वो उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन टीपीडीएस का मतलब है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेटेड का मतलब होता है ऐसे लोगों को टारगेट करना जिनके पास नहीं है, जिनके पास अधिक पैसे में खाद्यान्न खरीदने का खाद्यान्न खरीदने के लिए उनके पास धन नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए टारगेटेड ये पीडीएस स्कीम चलाई गई। नेक्स्ट इज अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय का मतलब होता है कि वो लोग जो कि जिनके लिए टारगेटेड चलाया गया था, अंत्योदय उन्हीं से रिलेटेड है। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि आप ऐसे लोगों को फोकस कर रहे हैं जो गरीबी में भी गरीब हैं। गरीब में भी गरीब के लिए अंत्योदय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि वो लोग जो कि खाद्यान्न भी अपना खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है, उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना स्कीम शुरू की गई थी। नेक्स्ट इज राशन कार्ड। राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, आपने देखा होगा हर घर का एक राशन कार्ड होता है। वो राशन कार्ड, ये तो एपीएल होगा, बीपीएल होगा, या अंत्योदय होगा। एपीएल का मतलब होता है वो कार्ड जो कि जिसमें ये समझा जाता है कि व्यक्ति अपनी जो अपनी खाद्यान्न की आपूर्ति है वो स्वयं करने में सक्षम है, वो मार्केट से भी खरीद सकता है, मतलब कि वो गरीबी की श्रेणी में नहीं है। बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड का मतलब होता है, एपीएल का मतलब होता है अबोव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उस पॉवर्टी लाइन से अगर वो नीचे है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से नीचे अगर वो है तो उसके लिए बीपीएल कार्ड यूज किया जाता है। अंत्योदय का कार्ड, अंत्योदय कार्ड का मतलब होता है कि वो गरीब में भी गरीब है तो उनके लिए अंत्योदय कार्ड होता है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एफसीआई से जब खाद्यान्न निकलता है तो उसकी रेट ज़्यादा होती है, लेकिन वो जैसे ही लोगों के पास पहुंचता है तो उसकी रेट कम मिलती है लोगों को, और वो लोग इसे सब्सिडाइज्ड कीमत पर खरीदते हैं। सब्सिडी का सिंपल मतलब होता है कि कमी। तो एफसीआई से जो 100 रुपये में खाद्यान्न मिल रहा है वो 10 रुपये में लोगों को मिल रहा है। तो ये जो अंतर है 100 और 10 के बीच का, ये सब्सिडी होती है।
ये सब्सिडी का मतलब होता है सरकार द्वारा लोगों को दी जाने वाली सहायता, ठीक है, तो ये सब्सिडी होती है। ओके, ये सब हमने डिस्कस किया। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन का मतलब ये होता है कि मानव संसाधन में मानव एक तरह की पूंजी है, या मानव एक तरह का संसाधन है, जिसमें अगर आप शिक्षा का यूज़ करते हैं तो वो क्या मानविक पूंजी है, जिसमें अगर आप शिक्षा का यूज़ करते हैं तो संसाधन बन जाता है, जिसे आप बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेरोजगारी का मतलब होता है 15 से 59 वर्ष की आयु के वो लोग जो कि काम करना चाहते हैं प्रचलित दरों पर, लेकिन उन्हें काम मौजूद नहीं है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक निश्चित टाइम फ्रेम में वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, एक निश्चित टाइम फ्रेम में वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, ठीक है, दैट इज मौसमी बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है, जैसे कृषि है तो कृषि में अगर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भी उतना उत्पादन हो रहा है, 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं, 10 माइनस 6, ये 4 व्यक्ति प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो शिक्षित है, जो काम करने के योग्य है, लेकिन उसे अपनी शिक्षा के अनुरूप कार्य नहीं मिल रहा है, तो वो शिक्षित बेरोजगार कहलाता है। इसकी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न ये होता है कि शिक्षित जो व्यक्ति होते हैं, जैसे इंजीनियर हैं, अब वो इंजीनियर छोटे मोटे काम तो करना नहीं चाहेगा, वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करना चाहेगा, और अगर उसे इंजीनियरिंग का काम नहीं मिला तो वो बेरोजगारी रहना पसंद करेगा, दैट इज कॉल्ड शिक्षित बेरोजगारी। सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है उसे समाज से हटा कर रख देना, ठीक है। निर्धनता रेखा एक एक लाइन जिससे नीचे के व्यक्ति जो है वो BPL की श्रेणी में आते हैं। तो निर्धनता रेखा मैं आपको बता दूं कि 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें भोजन प्राप्त होता है वो निर्धनता रेखा से ऊपर माने जाते हैं, और जितने जिन्हें इतना भोजन नहीं प्राप्त होता, जिन्हें इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती भोजन से, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो उत्पादन के कारकों की बात करते हैं। जब कोई चीज़ का उत्पादन हम करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछा जा सकता है कि उत्पादन के कारक क्या हैं, या फिर उत्पादन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें प्री में सिंपल पूछ सकते हैं कि उत्पादन के कारक निम्न में से कौन से नहीं है। तो आपको एक भूमि चाहिए होती है जहाँ पर आप उत्पादन करते हैं, उस भूमि में आपको भौतिक पूंजी चाहिए होती है, उस पर आप श्रम भी करते हैं, और एक मानव संसाधन चाहिए होता है, ठीक है। भूमि का मतलब होता है कि आपके पास कोई लैंड चाहिए जहाँ पर आप उत्पादन कर सकें, श्रम का मतलब है आप आपकी ऊर्जा लगा सकें, भौतिक पूंजी का मतलब है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी का मतलब होता है कोई मशीन्स वगैरह, कार्यशील पूंजी का मतलब होता है आप कोई धन वगैरह लगा रहे हैं। मानव संसाधन का मतलब होता है आप अपनी टेक्नोलॉजी, आप अपना दिमाग, आप अपनी नॉलेज यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मानव संसाधन। ओके, तो ये उत्पादन के सारे कारक होते हैं। होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया है, या फिर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस विद मी, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे 5 स्टार रेट कीजिए, और आप इसको रिव्यू एंड रिकमेंड कर दीजिए प्लीज़। आप कम वीडियो के बारे में अपने कमेंट करिए, और आप रिक्वेस्ट लेसन भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर एनी क्वेरी जो कि आप आपको स्टडी के टाइम फेस होती है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और आप मुझे एन अकेडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी आईडी anacademy.com/user/justin-kerwal, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन, प्लीज़ रेट रिव्यू रिकमेंड करते रहिए। थैंक यू।